हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ प्रियंका चोपड़ा का एक मेकअप लुक जो उन्होंने किया था गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2020 के लिए। इस लुक में उनका जो मेकअप था वो बहुत ही क्लासी था और बहुत मिनिमल था। उन्हें ये लुक दिया था इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मैरी फिलिप्स ने। उनके मेकअप के लिए पैट मैकग्रथ के प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए थे। मेरे पास पैट मैकग्रथ के प्रोडक्ट्स तो नहीं हैं, मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे मिलते जुलते मेरे पास उसी से ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो आप भी अगर ये लुक रिक्रिएट करना चाहते हैं तो जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उसी से ये लुक रिक्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मेकअप शुरू करते हैं। कोई भी रेड कारपेट लुक में स्किन का फ्लॉलेस और वेल हाइड्रेटेड दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं शुरुआत करती हूँ इंडल्जियो एसेंशियल्स के रोज़ गोल्ड ऑयल के साथ। इससे मेरा मेकअप काफ़ी फ्रेश और ड्यूई लगेगा। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स प्राइमर वाटर। ये इंश्योर करेगा कि मेरा जो मेकअप है वो बिल्कुल केकी ना हो। मेरे डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशंस को कलर करेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर। और इसे अपनी उंगली से ही अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लूज पाउडर डैप करूंगी जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए और नेक्स्ट जो मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ इसके साथ मिक्स होकर स्प्रेड ना होने लगे। मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ मैं और ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स क्रीमी कंसीलर। इसे मैं अपने अंडर आई एरियाज में लगाऊंगी और सभी हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पर भी लगाऊंगी हाइलाइटिंग के लिए। अगर आप प्रियंका का मेकअप ध्यान से देखें तो उनका मेकअप बहुत ही नेचुरल रखा गया है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा काफ़ी स्कल्प्टेड दिख रहा है। तो इसके लिए मैं कॉन्टोरिंग करूंगी। अब मैं कॉन्टोर करूंगी मेरे हॉलोज ऑफ द चीक को, जॉ लाइन को और फोरहेड को, और इस कॉन्टोर को मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी जिससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया है। इससे क्या होगा कि मुझे काफ़ी नेचुरल और सीमलेस फिनिश मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि चीक बोन्स किस तरह से नेचुरली काउट दिखने लगे हैं। प्रियंका के फोटो में साफ नजर आ रहा है कि प्रियंका ने काफ़ी लाइट और फ्रेश दिखने वाला पिंक ब्लश लगाया है, और इसीलिए मैं फेसेस कैनेडा का ये पिंक ब्लश लगा लूँगी क्योंकि ये भी बहुत प्रिटी फ्रेश पिंक कलर है। उनके चेहरे पर ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं की गई है, इसलिए मैं भी बहुत हल्की हाइलाइटिंग करूँगी सिर्फ अपने चीक्स और ब्रिज ऑफ द नोज पर। इससे एक बहुत ही नेचुरल और हेल्दी ग्लो दिखने लगेगा मेरी स्किन पर। अब जो बाकी का फेस है उसे मैं बहुत ही लाइटली मेबेलिन के पाउडर से सेट कर दूंगी। और एक बार फिर से स्मैश बॉक्स का प्राइमर वाटर स्प्रे करूंगी, इस बार मेकअप सेटिंग स्प्रे के तौर पर, ताकि मेरा जो बेस मेकअप है अच्छे से लॉक हो जाए और लंबे समय तक ज्यों का त्यों रहे। अब चलते हैं आई मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल कर दूंगी।
मेरे आईब्रोज काफ़ी पतले हैं और प्रियंका के काफ़ी थिक दिख रहे हैं, तो मैं अपने आईब्रोज को थोड़ा सा ओवरड्रॉ करके फिलअप कर दूंगी जिससे वो थोड़े से थिक लगेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रियंका का जो आई मेकअप है वो बहुत ही सिंपल रखा गया है, कोई भी ज़्यादा कलरफुल आई शेडोज यूज़ नहीं किए गए हैं, सिर्फ क्रीज को अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये दो शेड्स हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट में से और इन्हें मिक्स करके मैं अपनी पूरी आईलिड पर लगा दूंगी। इसके बाद इस डार्क ब्राउन शेड को लेकर मैं अपनी क्रीज में लगाऊंगी और ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर दूंगी। अब वापस से वही दो शेड्स जो मैंने पहले आईलिड पर लगाए थे उन्हें अपनी आईलिड पर वापस लगा लूंगी जिससे मेरी आईज की क्रीज लाइन अच्छे से डिफाइन हो जाएगी। नेक्स्ट मैं अपने अपर लैश लाइन को लैक्मे आइकॉनिक काजल से टाइट लाइन कर लूँगी और फिर इसी पेंसिल से मैं एकदम पतला आईलाइनर लगाऊंगी, जितना पतला हो सके उतना पतला लाइनर लगाना है हमें। लाइनर के बाद लेते हैं मस्कारा। ये मैक का इन एक्सट्रीम डायमेंशन ब्लैक लैश मस्कारा है जिसे मैं अच्छे से अपर और लोअर लैशेस पर लगा दूंगी। प्रियंका ने कोई फॉल्स लैशेस नहीं लगाए हैं तो हमें भी फॉल्सीज की ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। लिप्स के लिए प्रियंका ने लगाए थे पैट मैकग्रथ के ऑब्सेस्ड और एल्सन 2, ये दोनों बुलेट लिपस्टिक्स रेड्स के ही शेड्स हैं, तो मैं लगाने वाली हूँ मिस क्लेयर की रेड लिप पेंसिल जिससे मैं लिप्स को पहले आउटलाइन कर लूँगी और फिर फिलअप भी कर दूँगी। उसके बाद मैंने लिया है कलर बार का ये रेड बुलेट लिपस्टिक जिसे मैं अच्छे से लिप्स को फिलअप कर लूंगी। और इसके साथ ही मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अब मैं अपने बाल खोलकर एक साइड में ले लूँगी। मेरे नेचुरल हेयर वेवी है तो मैंने अलग से कर्लिंग नहीं किया है। अब मैं खुद को प्रियंका की तरह एक्सेसराइज कर लूँगी। और इसी के साथ मेरा ये लुक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। आपकी सहूलियत के लिए जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं इस वीडियो में उनके सारे डिटेल्स और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। मेरे इंस्टा और फेसबुक के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप ये लुक रिक्रिएट करें तो मुझे ज़रूर टैग करें। लव यू गाइस, बाय।